मैं तुम्हें और तुम्हारे दिल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जो मर्जी कह दो, मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती हो तुम। अच्छा, इतनी खुशफहमियाँ ना पालो तुम। किस दिन हो गई ना खफा तो पता चल जाएगा तुम्हें। हेलो, कैसी हो एहसन? कैसा? मैं ठीक हूँ। एहसन भी बेहतर है, सो रहा है। अच्छा, मूड बेहतर है अब तुम्हारा? तुम जानते हो ना, मेरा मूड तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम वापस नहीं आओगे। एमन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अब देखो, तुम्हारा वीजा मेरे कंट्रोल में तो नहीं है ना। अगर मैं वहां नहीं आ सकती तो तुम यहाँ आ जाओ। मैं तो तभी आऊंगा ना इमन, जब छुट्टी मिलेगी मुझे। अच्छा खैर, क्या किया सारा दिन आज तुमने? कुछ नहीं, बस मामा की तरफ गई थी। वो सेहत की बात पक्की हो गई है, लेकिन शादी पढ़ाई के बाद होगी। अरे वाह, जबरदस्त। जैद तो बहुत खुश होगा। हाँ, बहुत खुश था। तुम भी खुश हो ना? मम्मी की तबीयत ठीक रहती है ना? हाँ, ठीक है आंटी, ठीक तबीयत है। और आई एम सॉरी, उस दिन पता नहीं मैंने क्या उल्टा सीधा ऑल फॉल पक दिया। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारे दिल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जो मर्जी कह दो, मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती हो तुम। अच्छा, इतनी खुशफहमियाँ ना पालो तुम। किस दिन हो गई ना खफा तो पता चल जाएगा तुम्हें। काफ़ी तरीके आते हैं मुझे मनाने के, तुम उसकी फिक्र ना करो। अच्छा ये बताओ, एहसन कहाँ पर है? काफ़ी दिल उदास हुआ होगा मेरा उससे। दिखा दो। अच्छा, वैसे वो सो रहा है, लेकिन मैं अभी फेस टाइम करती हूँ। हेमंत, जॉब करने की क्या जरूरत है? मैं कर रहा हूं ना, और वैसे भी जब तुम्हारा वीजा लग जाएगा तो फिर तो तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी ना। इतने अरसे से तो वीजा आया है। जब वीजा आएगा तब मैं छोड़ दूंगी, रिजाइन कर दूंगी। एहसन का क्या होगा? क्या होगा एहसन का? आंटी घर पे होती है, नासरा होती है, वो देख लेंगी उसे। हेमंत, क्या हो गया तुम्हें? उसकी माँ तो घर पे नहीं होगी ना। बच्चे को सिर्फ माँ की नहीं, बाप की भी जरूरत होती है। इसके बारे में सोचा कभी तुमने? मैं तो फिर भी शाम को घर आ जाया करूंगी। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें पता है वो तुम्हें तस्वीरों से पहचानते हैं। उसने कभी देखा नहीं तुम्हें, महसूस नहीं किया। बाप की जरूरत क्या होती है जानती हूँ मैं। तुम्हें पता है जैद इसीलिए बिगड़ गया था कि बाबा उसके पास नहीं थे। लड़कों को तो बाप की ज्यादा जरूरत होती है। बेटे की तरबियत जो बाप कर सकता है ना, माँ के लिए नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम जॉब, एसन और घर को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकती हो तो मुझे कोई मसला नहीं। कर लो तुम जॉब। अम्मी से बात कर ली है? मैंने नहीं बात की आंटी से, तुम खुद कर लो। गलत बात है मैं। माँ है वो मेरी, घर की बड़ी है, तुम्हें खुद बात करनी चाहिए उनसे। एहसन कहाँ पर है? वो रजा भाभी और रोहेल भाई के पास गया है। वैसे इन दोनों को भी अब अपनी फैमिली प्लान कर ही लेनी चाहिए। तो उनका मसला है, कौन क्या करता है हमें इससे क्या? हेमंत, थोड़ी सी तैयारी हो जाया कर। देखो तुमने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ। तैयार होकर क्या करूं? आंटी और नासा के पास जाके बैठा करूं? जॉब करूंगी तो खुद तैयार होने का दिल चाहेगा। अच्छा भाई, मुझसे बात करती हो कि नहीं करती हो? मेरे लिए तैयार हो जाया करो। तो तुम बड़ा जैसे सूट पहन के बालों में जेल लगा के मुझसे बात करते हो, यूं पीजे में बैठ के तो बात कर रहे होते हो मुझसे। अच्छा ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम मैं जब तुमसे बात करूंगा ना तो मैं टक्सीडो पहनूंगा। हैप्पी। Hey guys, I'm Sambul Iqbal और सब्सक्राइब करें AY Original का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।